यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है तो हम पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर होता है पी तथा जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उससे बनी एक युक्ति होती है। ठीक है, किससे बना होता है? पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक, पी तथा एन टाइप के अर्धचालक होंगे सेमीकंडक्टर। पी तथा एन टाइप के अर्धचालक से बना होता है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? तीन टर्मिनल। जो ट्रांजिस्टर होता है बताया पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनाया जाता है। कहने का मतलब जो ट्रांजिस्टर होगा या दो अर्ध दो पी टाइप होंगे और एक एन टाइप होगा, या तो क्या दो एन टाइप होंगे एक पी टाइप होगा। जो अर्ध जो ट्रांजिस्टर होगा वो दो पी प्रकार के अर्धचालक तथा एक एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनाया जाता है, या क्या होगा दो एन टाइप के अर्धचालक और एक पी टाइप के अर्धचालक से मिलकर बनाया जाता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें जो ट्रांजिस्टर होता है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें आपको दिख रहा है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक है, दो एन प्रकार के अर्धचालक हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी प्रकार के अर्धचालक तथा एक एन प्रकार का अर्धचालक से मिलकर ट्रांजिस्टर बना है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर होता है, हमने जब सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि जो पी टाइप होता है, पी टाइप में जो आवेश वाहक था, क्या जो पी टाइप में आवेश वाहक था वो क्या था? होल। क्या था? होल था। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या था? होल। और एन टाइप के अर्धचालक में क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक क्या होते हैं, जब उसमें ये बताओ पी टाइप का अर्धचालक भी है एन टाइप का अर्धचालक है तो दोनों आवेश वाहक होंगे ना। जिसमें ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक होते हैं, क्या आवेश वाहक? इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में हमने सैंपल टी दर्शाया है, टी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। जो ट्रांजिस्टर में बात करें आवेश वाहक की तो आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा होल। इसमें तीन परतें होती हैं। ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती हैं? तीन परतें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? टर्मिनल थे हमारे, तीन परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है उत्सर्जक, इमीटर जिसे बोलते हैं उत्सर्जक। दूसरा होता है हम बात करें बेस आधार, और तीसरा होता है कलेक्टर संग्राही। कितनी परतें होती ट्रांजिस्टर में? तीन, इमीटर उत्सर्जक बोलते हैं बेस आधार कलेक्टर संग्राही। जो बाजार में ट्रांजिस्टर उपलब्ध होता है वो किस संरचना का होता है? एक प्लास्टिक या धातु के खोखले गोले के अंदर बंद होगा, और उसमें जो हम तार होते हैं उसमें एक इमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर हम किस प्रकार से पहचानते हैं? जो बीच में होगा, जो बीच में तार होता है वो इस प्रकार बाजार में जो ट्रांजिस्टर मिलता है इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार का बना होता है। इस प्रकार से उसमें तीन टर्मिनल होते हैं ऐसे। जो बीच वाला होगा वो क्या होगा? आधार। ठीक है, जो उसमें एक लाल डॉट से इधर बना दिया जाता है डॉट, तो वो समझ जाते हैं हमारा क्या है? उत्सर्जक ई है, और अन्य जो बचेगा वो क्या होगा? संग्राही। जो बाजार में इस प्रकार से मिलता है बहुत ही छोटी युक्ति होती है। ठीक है, हम जो इसमें बताया कि जो तीन चीजें होती हैं इमीटर, बेस, कलेक्टर, हम बात करें जो ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर किस शब्द से मिलकर बना है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस,
कहने वाला प्रतिरोध का स्थानांतरण ही ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांसफर से ट्रांस लिया और रेजिस्टेंस से रेजिस्टर। तो कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्रतिरोध का स्थानांतरण। जो हमारा अभी बताया कितने प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, दो प्रकार का, उससे बता रहे हैं इस ट्रांजिस्टर का जो अर्थ होता है। एक होता हमने बताया एनपीएन, एक पीएनपी प्रकार का। तो हम दोनों को देखते हैं। हमने फर्स्ट टाइप बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक पी प्रकार का अर्धचालक, दो एन प्रकार के अर्धचालक, इस प्रकार से बीच में क्या है पी एन एन। इसमें जो बीज वाला सिरा होता है उसे आधार, और जो अवनति में होता है उसे इमीटर, जो पश्च अवनति में होता है उसे कलेक्टर संग्राही। ठीक है, जो अग्रवनत होता है जो उत्सर्जक में आधार संधि होती है जो अग्रवनत में होती, कहां होती है अग्रवनत में, और पश्च अवनत में क्या होती है संग्राही आधार संधि, जो पश्च अवनत में होती है फॉरवर्ड बायस। हम इसका फिगर बनाए ट्रांजिस्टर के इस प्रकार से, जो बेस है, जी बेस है हमारा जी एन पी एन। ठीक है, जी हमारा इमीटर है और जी कलेक्टर है। हमेशा जो धारा होती है ना, हमेशा धारा पी से एन की तरफ बहती है। जो धारा की दशा होती है वो कहां से कहां की ओर बहती है, पी से एन की ओर हमेशा। तो कहां से बहेगी, पी से एन की ओर। ठीक है जी, हमारा एन पी एन का चित्र है। हमने अगर बात करें किसकी, पी एन पी की, तो पीएनपी में करना क्या है, इसमें दो पी प्रकार के अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक होगा। तो एन पी पी बेस इमीटर ये कलेक्टर, इसका पर्पस इस प्रकार से, ये बेस है हमारा, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। क्या पीएनपी, जी पी ये एन है, जी पी है, हमेशा धारा कहां से कहां की ओर बहती है, पी से एन की ओर। जैसे आपको दिख रहा है जी आधार है, जी मीटर है, जी कलेक्टर है, बेस। जो बेस होता है बेस को हमेशा पतला रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, पतला। जिस बेस की मोटाई होती है ना, बेस की जो मोटाई होती है 10^-6 मीटर होता। क्यों, इस बेस को इसलिए पतला रखा जाता है, जो इधर से इमीटर से धारा बह रही है, इमीटर से धारा जो बह रही है इससे इस धारा का इस आधार में छेना वो आसानी से कहां प्राप्त हो जाए, पश्च अवनत में। इसलिए आधार को क्या रखा जाता है, पतला रखा जाता है। ठीक, और हमने इस प्रकार से क्या जाना, ट्रांजिस्टर को जाना, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर को, और उसके हमने बताया ट्रांजिस्टर का ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध का स्थानांतरण। कृपया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।